तो भाई लोग क्या हाल चाल है तुम्हारा। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है एक नए वीडियो के साथ। और भाई आज की इस वीडियो में भाई हम यूट्यूब पे सर्च किए जाने वाले एक बड़े बहुत सर्च किए जाने वाले एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भाई PS4 एमुलेटर फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, तो भाई PS4 एमुलेटर ये तुमको एंड्रॉयड में अवेलेबल है कोई है? तो अगर है तो फिर क्या है, पेड है या खेल सकते हो नहीं खेल सकते, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को भाई बिल्कुल एंड तक देखना। तो भाई फालतू तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो करना परेशान हो गए हम लोग। तो बहुत सारे YouTube चैनल मैंने देखे हैं भाई इस पे वीडियो बनाएंगे कि भाई PS4 एमुलेटर, PS4 के गेम खेल सकते हो, फ्री में खेल सकते हो भाई, तुम अपने एंड्रॉयड में रन कर सकते हो, 1-2 GB के भी फ़ोन में आराम से रन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे चैनल देखे भाई, ठीक है, और मुझे लगता है तुमने भी देखे होंगे कभी ना कभी, ऐसे शायद तुमने भी देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि ये लोग वीडियो बना देते हैं कि भाई तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐसे भाई एक एप्लीकेशन है उसको तुम भाई इंस्टॉल कर लो, उसमें तुम सारे PS4 के गेम फ्री में खेल सकते। तो भाई फालतू बकचोदी ना करते हुए भाई मैं डायरेक्ट तुमको बता देता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। PS4 एमुलेटर भाई कोई चीज़ नहीं है, PS4 एमुलेटर अभी बना ही नहीं, ठीक है। PS3 एमुलेटर बना है जो सिर्फ PC के लिए, और PC भी हाई एंड PC के लिए, सिर्फ सिर्फ हाई एंड PC मिले, ठीक है। तो PS4 एमुलेटर जैसी कोई चीज़ नहीं है, और ये लोग तुम्हारा चूतिया काट मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे हैं क्या? लाखों मैंने भाई देखा है भाई 200K व्यूज़, 300K व्यूज़, कुछ कुछ तो 1-2 मिलियन तक भी पहुंच जाते हैं भाई। मतलब तुम देख रहे हो मतलब कितना लोगों का चूतिया काट, गजब बेइज्जती है। अब भाई इस वीडियो में जितने भी व्यूज़ आए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इतने लोगों का चूतिया काटने से अच्छा है भाई कुछ लोगों को तुम सही बात बता दो, ठीक है। PS4 एमुलेटर कोई चीज़ नहीं है, हाँ तुम PS4 के गेम्स को एंड्रॉइड में खेल सकते हो। ओह माय गॉड, रुको जरा, सबर करो। रन नहीं कर सकते, रन करना और प्ले करना दोनों बहुत अलग चीज़ है, ठीक है, तो इस बात को तुम समझ लो। हाँ खेल सकते हो, लेकिन भाई उन 2-3 एप्लीकेशन है जैसे क्लाउड गेम्स, वॉटेक्स, गेम फ्लाई, तो भाई ये जो एप्लीकेशन है ये गेम प्रोवाइडर है, ना कि एमुलेटर। एमुलेटर एक अलग चीज़ होती है जिसके बारे में हम एक किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ भाई। एमुलेटर क्या होता है, उसके लिए तुमको भाई उसका गेम का एक प्रॉपर ISO चाहिए होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा एमुलेटर है तुम्हारे जो PC या फ़ोन में वो फाइल को रन करे, मतलब फाइल को नहीं गेम को रन करेगा, ठीक है, गेम को रन करेगा जिस चीज़ का वो एमुलेटर है, ठीक है, GBA है, ठीक, PS2, PSP, उसके हिसाब से वो उसको रन करेगा, तो ये एमुलेटर होता है, ठीक है। तो ये गेम प्रोवाइडर्स क्या करते हैं भाई, तो भाई गेम प्रोवाइडर्स का क्या होता है, तुम खेल सकते हो लेकिन फ्री नहीं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। गेम रिक्वायर जो प्रोवाइडर्स होते हैं उस उनका एक सर्वर होता है जिससे गेम का सर्वर होता है, वो सर्वर बना के रखते हैं, उससे तुम गेम खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन उनका क्या रहता है कि तुमको उसमें फिर पैसा देना पड़ेगा, और पैसा ऐसा है कि 500-600 रुपये तुम्हें मंथली देने पड़ेंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन की तरह है वो। अगर तुम चाहो एक दिन के लिए भी ले सकते हो, हफ्ते भर, एक महीना, साल भर के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन होता है, उतने पैसे तुमको देने पड़ेंगे, ओके। उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई तुमको उसके लिए भाई बहुत हाई डाटा स्पीड चाहिए, हाई डाटा स्पीड नहीं है तो भाई गेम क्या होगा भाई, बार बार अपने सर्वर से कनेक्ट करेगा उस, तो वो ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे करके खेल सकते हो तुम, PS4 एमुलेटर नहीं है ये फिर भी, बट तुम खेल सकते हो। और अगर तुम्हें भाई खेलना ही है तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम भाई गेम फ्लाई में जाओ, ठीक है। गेम फ्लाई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो तुम सारे कॉन्सोल्स, बस आज के नेक्स्ट जेन कॉन्सोल को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोल के गेम तुम्हें खिला सकती है, ठीक है। तो गेम फ्लाई में तुम, गेम फ्लाई तुम ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, वो तुमको गेम खेलने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये मैंने इन लोगों को देखा है भाई, ये बहुत सारे व्यूज़ इन पे चैनल्स पे आ जाते हैं, तुम लोग तो भाई देखो ऐसा है कि भाई कॉमन सेंस ही बात है यार, तुम ही देखो भाई, अगर भाई तुम PS4 एमुलेटर में कभी तुमने सर्च किया होगा यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी, तो उससे पहले
कभी ना कभी तुमने PS2 के गेम को अपने मोबाइल में रन करके देखा होगा, ठीक है। अब तुम्हारा 2, 3, 4 या फिर 6 GB रैम का फ़ोन भी है तो तुमने देखा होगा कि उसमें PS2 के गेम भी कितने लैग हो के चलते हैं, ठीक है, बहुत लैग होते हैं, ठीक है। तो भाई तुम खुद ही सोचो यार, PS4 के गेम तो भाई फिर कितने हैवी गेम्स होते हैं भाई, ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है प्रॉपर उसमें, और तुम्हारे फ़ोन में तो कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है यार ये, और तुम इनके चैनल्स पे जाते हैं लोग, ठीक है, व्यूज़ देते हैं, ठीक, इनके चैनल मोनेटाइज्ड होते हैं, मोनेटाइज्ड चैनल होते हैं, इनसे इनको बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है तुम लोगों के व्यूज़ के साथ। तो भाई मैं यही चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को तुम भाई शेयर करो लोगों को, भाई जागरूक बनाओ यार, ऐसे क्या चूतिया पंती लगा रखी है लोगों ने, समझ रहे हो ना। तो भाई यही मेरा मोटिव है इस वीडियो से कि तुम अपने जितने भी ऐसे चूतिए दोस्त हैं उन लोगों के पास भाई ये वीडियो दिखाओ, तुम बताओ कि ऐसे यूट्यूबर्स को बोले कि अपनी कहीं और जाके अपनी गांड मराइए और यूट्यूब पर आके बवासीर मत फैलाओ। तो भाई मैं चलता हूँ, मिलूँगा तुमसे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो भाई तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।